नमस्कार, अच्छी खबर .com पर मैं मुकेश पचौरी हाजिर हूँ प्रेरक किस्सों के खजाने में से एक और कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है झील। एक बार एक नवयुवक किसी जेन मास्टर के पास पहुंचा। बोला, मास्टर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूं, कृपया इस परेशानी से निकलने का उपाय बताएं। मास्टर बोले, एक काम करो, पानी के एक ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। युवक ने ठीक वैसा ही किया। इसका स्वाद कैसा लगा, मास्टर ने पूछा। बहुत ही खराब, लगभग खारा, लगभग थूकते हुए युवक बोला। मास्टर मुस्कुराने लगे, बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी दूर पर जाकर स्वच्छ पानी से बनी झील के सामने रुक गए। चलो अब इस नमक को इस पानी में डाल दो, मास्टर ने निर्देश दिया। युवक ने ठीक वैसा ही किया। मास्टर बोले, अब झील का पानी पियो। युवक ने चुल्लू में पानी भरा और पीने लगा। एक बार फिर मास्टर ने पूछा, बताओ इसका स्वाद कैसा है, क्या ये तुम्हें अब भी खारा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा, युवक ने कहा। मास्टर युवक के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले, जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह हैं, न इससे कम न ज्यादा, जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, बिल्कुल वही, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब भी तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो, झील बन जाओ। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कहानियों का सुनना हमारी इमेजिनेटिव पावर्स यानी कल्पना करने की शक्ति का अद्भुत विकास करता है। अच्छी खबर .com के जरिए ये प्यारी न्यारी और दुलारी कहानियों को आप अपने बच्चों और प्रियजनों को भी सुना सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें और सुने रोज एक नई कहानी अच्छी खबर .com पर। हम तक पहुंचने के लिए आप फेसबुक और यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं।